साल 14 महीने में दू था पा बच्चे दे ठीक हो गया बच्चे दूदू 14 महीने ने कितनी फल थी सन मिसाल पांचवी बकरियां 50 जन्म हो गया ना इससे अलावा मतलब टोटल तादाद के हिसाब से 75 जन्म होगा 75 छिमाइंदा है ना हां ठीक है 75 जन्म पंजाबी आ गया मैं 100 150 जानवर साल में हो जाएगा मेरे भाई आपके सामने आप ऐसा करें और जाकर गोट फार्मिंग कर देना इनके जो बकरे हैं ना वो आप कुर्बानी के लिए तैयार करते रहें बाकी जो फीमेल होंगी ना वो फीमेल जो होंगी ना मेरे भाई आप जो है ना वो फार्मिंग में बढ़ाते जाए इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में बिजनेस में बहुत ही पहला सुआ ऐसा क्यों आ रहा रखो एक तीन ने 50 दिया भी एक दूसरा बच्चा बकरे अंजना ना उन्हें पैसे बड़े हैं अधिक चुथाई की माते ही नहीं चुथाई की माते पहला सुआ थे त्रय महीने चार महीने बच्चे जो आपका कहने का मतलब ये है ये बकरे से काम करें और यही बकरे कुछ दिन के बाद बड़ी हो जाएंगे यही बच्चे दे देंगे ना और अच्छा ज्यादा इसी में फायदा है बाबा जी से पूछेंगे इसमें क्या फायदा है और इसमें कोई फायदा है या नहीं है और कितनी बकरियों से गोट फार्मिंग करना चाहिए किस तरह की बकरियां रखनी चाहिए और ज्यादा कौन सी फार्मिंग में बकरियां जो होते हैं ना कामयाब है इंशाल्लाह पूरे डिटेल आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबे बिलाल के पास काफी दिन के बाद पहुंचे हैं आज बाबे बिलाल के डेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मेरे भाई काफी दोस्त की फरमाइश भी थी और भाइयों की थोड़ी मसरूफियात थी मेरे भाई और बाबे बिलाल के पास नहीं पहुंचा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइम मिला है बाबे बिलाल के पास पहुंचे हैं आज बाबे बिलाल के आज देखते हैं बाबे बिलाल क्या इखलाक मोहब्बत भाइयों के साथ करता है क्या रेट देता है किस तरह के जानवर दिखाता है पूरे डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगी सिर्फ आपने वीडियो मुकम्मल आपने कंप्लीट आपने देखनी होगी इंशाल्लाह मेरे भाई आपको एक बात पूछ के बाबे बिलाल से बात आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपको मजा आएगा जो दिलचस्पी रखता है फार्मिंग करना चाहता है पहली बार काम कारोबार बिजनेस इस फार्मिंग में आना चाहता है ना मेरे भाई आप बाबे बिलाल से मशवरा लें क्योंकि ये बहुत पुराने आदमी हैं मेरे भाई इनको पूरी मालूमात का पता है इनका जानवर का रखने का तरीका और इनके खुराक के मुतल्लिक इनके बीमारी के मुतल्लिक पूरी डिटेल आप इससे जान सकते हैं उन दोस्तों को गुजारिश करता हूं जो पहली बार काम कारोबार करना चाहते हैं जहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं जहाँ मालूमात लेना चाहते हैं बाबे बिलाल से रब्ता करें इनके नंबर ऊपर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके ना आप इंशाल्लाह इसके इससे बाबे बिलाल से अच्छी मालूमात और फ़ायदे की मालूमात इंशाल्लाह आप हासिल कर सकते हैं बाकी बाइक कैमरे से आपको पूरी मालूमात बाबे बिलाल से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएंगे अस्सलाम वालेकुम बाबा जी सबसे पहले आप तारुफ कराइए बाबा बिलाल खास डीजी खान डेरा गाजी खान अच्छा बाबा बिलाल और खास डेरा गाजी खान डीजी खान अच्छा बाबा जी पहले थोड़ा माजरा चाहता हूँ पहले थोड़ा मसरूफ था आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जानवर बहुत प्यारे दिखाए हैं आज भाइयों को क्या सहूलत देते हैं आज किस तरह के जानवर दिखाते हैं आज ऐसी वीडियो बना के दिखाए ना ऐसे जानवरों की सहूलत दें इंशाल्लाह आज तक ये रेट भी किसी ना दियो बाबा रेट इस देसा चंगा देसा बिने गोड फारा मजा करने 20,000 सस्ता देसा इन्हें भी जो हेत बकरा फ्री देसा सही है दावत देसा शही को देह दयावन पाद है हेत बकरी को चक्कर में ये दे दा पाई शही को दे क्या शाह शाहे को देख बिल क्या शाहे भिरावे वास्ते है तोहफा घेनाया इहो जिया तोहफा किथाई कना होसी बाकी अस्त्रा लग्या से हेत लुवन जिरा खालीन ओकरास थिया वजन बाकी मेरे भाई बाबे बिलाल से पूरी डिटेल इंशाल्लाह पूछेंगे सिर्फ आपने वीडियो मुकम्मल देखने बाबे बिलाल के पास कौन कौन सी बकरियां नस्लें हैं और उनकी उम्र क्या है इनकी एज और मुंह से क्या है और कितने सुए में है पूरी डिटेल इंशाल्लाह पूछ के बताएंगे क्रॉस हो गया या नहीं हुए इनमें बकरे कितनी हैं इंशाल्लाह आप नस्लें मेरे भाई आप देख रहे हैं अच्छा बाबा जी ये बताए आप जो नस्ल बार बार दिखा रहे हैं ये कौन सी नस्ल दिखा रहे हैं अबला के लालपुरी ठीक हो गया सही हो गया ठीक हो गया इसमें मेरे भाई तीन टू चार नस्लें कम मतलब ये समझ लें
सात आठ जो है ना ब्लैक बीतल हो गया, सात आठ शेरा प्रिंट हो गया, मक्की चीनी हो गया, लायलपुरी हो गया, ऐसी नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मेरे भाई। बाकी अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, एक मुनासिब पैसे में गोट फार्मिंग, सस्ते पैसे में गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, आप बाबे जी से रब्ता करें, ऐसी नस्लें मेरे भाई आप रखें। ये शेरा प्रिंट अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहे हैं, गबन है मुंह से क्या है, मुंह से दो दांत पुराने टाइम, कितना टाइम हो गया क्रॉस हो गए, अढ़ाई महीने हो गया क्रॉस हो गया मेरे भाई। बाकी बाबे जी से पूछेंगे इसमें क्या फायदा है और इसमें कोई फायदा है या नहीं है, और कितनी बकरियों से गोट फार्मिंग करना चाहिए, किस तरह की बकरियां रखनी चाहिए, और ज्यादा कौन सी फार्मिंग में बकरियां जो होते हैं ना कामयाब है, इंशाल्लाह पूरी डिटेल इंशाल्लाह पूछ के बताएंगे। अच्छा बाबा जी ये बताएं, जो सबसे ज्यादा कामयाब बकरियां जो है ना वो कौन सी है, पहले किस बकरियों से गोट फार्मिंग करनी चाहिए, जो पहली बार गोट फार्मिंग भाई लोग करते हैं उनको मालूमात नहीं होती, आप उनको जरा मालूमात बता दो। पहले जरा ना गरीब जरा ना यो जिया माल खेने पैसे माल से और सर्दी गर्मी पचावना ले। मैक्स का मतलब ये है, मतलब मुख्तलिफ अच्छी नस्लें शामिल की हुई है, सही है, बाकी पहला सुआ कोई ना दूजा सुआ ना त्रीजा सुआ ना बुझा ना कुछ है, सही है, सही है। अच्छा ये बताओ ये पहली बार गोट फार्मिंग इस इन बकरियों से करनी चाहिए, इन बकरियों में क्या फायदा होगा, अच्छा मैंने ये पूछा बाबा जी, मैंने कहा इन बकरियों से क्या फायदा होता है जो पहली बार काम जो बिजनेस करें, ये साल में कितनी बार बचे रहते हैं, इनकी एवरेज क्या होते, कितने पैसे से काम करना चाहिए, बकरियां टोटल तादाद के हिसाब से पहले कितनी रखनी चाहिए। बाबा ये जरा ना दो बकरियां रखें, त्राय रखें, चार रखें, यो जहाँ बकरियां रखें पहले पहले, सही हो गया, पैसे इन्हें का नहीं होते, थोड़े पैसे होने बड़ा माल रखे बुलाओ यो करें यार, छलां वास्ते पालां वास्ते इन्हें कोई खर्चा नहीं, फल इन्हें फल देने पहले सुबह से, आपका कहने का मतलब ये बकरियों से काम करें और यही बकरे कुछ दिन के बाद बड़ी हो जाएंगी, यही बच्चे दे देंगे ना, और अच्छा ज्यादा इसमें फायदा है, देखिए मेरे भाई आपके सामने में जो बात है ना बाबा जी सही बता रहे, वो कहता है पहले आप इन बकरियों से गोट फार्मिंग करें, इसमें क्या होगा मेरे भाई आपके पास हो के ना ये खुद अपने हाथों से इन बकरियों को क्रॉस कराएं, इनमें बकरे अलहमदा छोड़े हुए ये लाग पट्टे है और अभी क्रॉस मांग रहे, कुछ क्रॉस भी बाबा जी क्रॉस मांग रहे या क्रॉस हो गया है, मतलब ये समझ लें इसमें क्रॉस भी हो गया है कुछ क्रॉस भी हो रही है, अगर इन बकरियों से गोट फार्मिंग करें ना आप आसानी से इन बकरियों से गोट फार्मिंग करें। अच्छा बाबा जी ये बताओ ये बकरियां किस इलाके में पाल सकती हैं, हर इलाके में, अच्छा कश्मीर हर जगह, मतलब ये सर्द इलाका गर्म इलाका बर्दाश्त कर लेती है, अच्छा ज्यादा फार्मिंग के लिए कौन सी बकरियां बेहतर हैं, वैक्सीन शुदा बेहतर हैं या बगैर वैक्सीन शुदा बेहतर हैं, देखो आपने मालूमात देनी है ना, नए बंदे होते हैं ना आपकी भी जो देख देख के दिलचस्पी रखते हैं फार्मिंग में आ जाते हैं, आपने मालूमात देनी है, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि मेरे भाई आप वो सही बता रहे, क्यों पता क्या अगर ये सिरप डालेंगे ना, क्योंकि जानवर की थकावट वगैरह होती है वो दूर हो जाती है, ये तो बिल्कुल मशवरा आपको ठीक दे रहे हैं। अच्छा बाबा जी ये बताएं इनकी उम्र इनकी एज क्या होगी, कम से कम इनकी क्या उम्र है, ज्यादा से ज्यादा क्या उम्र है, और साल में ये बकरियां क्या एवरेज देती हैं और कितनी बच्चे देती हैं साल में, साल 14 महीने में दो दफा बच्चे दे, ठीक हो गया, बच्चे दूध जो दे में इन्हें कितनी फल थी सन, मिसाल पांचवी बकरियां 50 जानवर हो गया ना, इससे अलावा मतलब टोटल तादाद के हिसाब से 75 जानवर होगा, 75 छिमाई है ना, हां ठीक है 75 जानवर, पंजाबी आते मैं 100
150 जानवर साल में हो जाएगा मेरे भाई आपके सामने। आप पैसा करें और जाके गोट फार्मिंग कर देना, इनके जो बकरे हैं ना वो आप कुर्बानी के लिए तैयार करते रहें, बाकी जो फीमेल होंगी ना वो फीमेल जो होंगी ना मेरे भाई आप जो है ना वो फार्मिंग में बढ़ाते जाए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में बिजनेस में बहुत ही बरकत है। उन दोस्तों को गुजारिश करता हूँ जिसके पास ज़मीन और रकबा है ना, अभी तक उनके ने गोट फार्मिंग नहीं की हुई, जहाँ आपको बहुत दिलचस्पी है, आपके पास ज़मीन और रकबा नहीं है, अपने घर में आप एक अच्छी में अपने छत पे भी आप एक गोट फार्मिंग का सेटअप बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपको इल्म नहीं है इनके गोट फार्मिंग में कैसे करनी चाहिए, क्या होती है, खुराक के मुतल्लिक का पता नहीं आपको, बाबा जी से रब्ता करें, इनके ऊपर नंबर मौजूद है, आपको पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और अच्छा बाबा जी ये बताएं, कुछ दोस्त मुझे कहते हैं ना यार इसे भी हम मंडी से जानवर लेके गए वो हमारे लिए बेहतर नहीं थे, आप उनको क्या दोस्तों को मशवरा देते, और दूसरे गोट फार्म से आपका रेट महंगा होता है सस्ता होता है, ये बकरी आप कहीं से लेके आते हैं खरीदते हैं जहाँ आपकी अपनी बकरियां हैं? सही हो गया, वैक्सीन शुदा तो हो जा का नहीं, उतो बीमार थी ने तो नहीं पता। सही हो गया। अच्छा इनकी उम्र बताओ, कम से कम क्या उम्र है, ज्यादा से ज्यादा क्या उम्र है, और अगर जो पहली बार दोस्त पट्टे लेना चाहते हैं ना कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए उनकी? 9 महीने का ना रख 13 महीने का। सही है। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा देखिए मेरे भाई आपके सामने और जो बाबा जी बताइए ना आपको अच्छी मालूम अलहमदुल्ला बताइए, मजीद भी आप इनसे रब्ता करके नंबर के ऊपर रब्ता करके आप इनसे रब्ता करते हैं। अच्छा बाबा जी ये बताएं आपके क्या पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस है या नहीं, कार्गो का क्या शेड्यूल है आपका? पहले फिर हमें के साथ कार्गो ना मंगवाऊं। सही है। अगर जरा मजबूरी रहता है मंगवे सी वो पीछे पहले वीडियो कॉल ते देखे बैंक अकाउंट है पैसे जमा करे सी बाद माल दी है। आल पूरा पाकिस्तान कार्गो है, आप अगर खुद आना चाहते हैं मेरे भी खुद आ जाए, अगर कार्गो करवाना चाहते हैं कार्गो भी हो जाएगी, पेमेंट पहले लगवानी पड़ेगी फिर आपको कार्गो भेजेंगे। अच्छा बाबा जी आप लाट की भी कीमत बता दें, कुछ दोस्त होते हैं ना उनकी गुंजाइश नहीं होती, 2-4 लेना चाहते हैं ना उनका भी आप रेट बता दें। बता दो, एक बकरा भी आपने बताया फ्री है, ये वाला बकरा फ्री देना, ये मुझे बहुत पसंद है। बता दो रेट, बताओ 26,000 के हिसाब से। आपके सामने माशाल्लाह। और अच्छा बाबा जी आपकी अपनी ब्रिज है ना या कहीं से लेके आते हैं? देखिए मेरे भाई आप मालिक से होके आप मिलें, आप इनके साथ डील करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट में इंशाल्लाह आपको जमा देंगे। बाकी उम्मीद है मेरे भाई मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई है, मजीद आप 14 महीने में 100 वही यही मैं बात कर रहा हूँ। पंजा अगर मेरे भाई आप कुर्बानी का सीजन लगाते हैं ना आप ऐसा करें आप बकरे बकरी रखें अपनी ब्रिज में, अपनी ब्रिज में बहुत फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि नस्ल अच्छी क्वालिटी का है माशाल्लाह आपके सामने। अच्छा बाबा जी ये बताएं आपके पास किस किस नस्ल की बकरियां हैं और जितना भी जो भाई लेना चाहे तो मिल सकती हैं बकरियां, जो सिर्फ आपके पास यही बकरियां हैं? जितना भी लेना चाहे जो भी भाई लेना चाहे मिल जाएंगे, हर तरह की बकरियां हैं पाकिस्तान के, हर तरह की ब्रिज है, मुख्तलिफ ब्रिज है, ठीक है मेरे भाई आपको उम्मीद है मैंने अच्छी वीडियो बना के दिखाई, आप हमें दिखे इजाजत, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने भाइयों को दोस्तों को वीडियो में मिलेंगे।